अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई पनीर। तो चलिए फिर देखते हैं मैं कैसे बनाना है रेसिपी। यहाँ पर मैंने ले लिया है रेड चिली, जिसे मैं भून लूँगी। पहले हमें सबसे पहले जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना, उसकी रेसिपी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये मसाला है जो अभी इसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। देखिए, धनिया लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच और मिर्ची ली है 7 से 8 और जीरा लिया है 1 टीस्पून। और इसे ना स्लो पर ऐसा भूनना है कि इसका जो अरोमा है वो धीरे धीरे से हो, बाहर हो, मतलब इसकी फ्रेग्रेंस आए अच्छी स्लोली। और 10 से 12 मैंने काली मिर्च ले लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ लिया है यहाँ पर। तो इसे हमें एकदम स्लोली भूनना है। और कस्तूरी मेथी यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ी सी, 1 टीस्पून के बराबर है ये। तो इसे एकदम स्लोली भूनना है हमें। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है अभी इसके अंदर। सॉल्ट डालना नहीं भूलना है इसके अंदर, सॉल्ट डालने से ये अच्छे से भून भी जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट आता है। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है स्लो पर जब तक ये भून जाए अच्छे से। यहाँ पर मैं इसे अगर कूट सकते हो तो आप कूट लेना, यहाँ पर मैंने मोटा मोटा पीस लिया है देखिए, और इसकी फ्रेग्रेंस लाजवाब है। अभी यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी, जो भी ये ऑयल अच्छा हीट हो जाना चाहिए। जब तक ये पूरी तरह हीट नहीं हो जाए तब तक इसमें ये ऐड नहीं करना है। शिमला मिर्च और अनियन है जो मैंने काट लिया है देखिए, ऐसा बड़ा बड़ा सीन। ये आप जैसा चाहे आप अपनी मर्जी से काट सकते हो, लेकिन थोड़ा मोटा ही होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ये। तो मैंने यहाँ 1 शिमला मिर्च लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। और जब ऑयल अच्छे से हीट हो गया तभी मैंने इसे ऐड किया है, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। तो इसमें पानी नहीं छोड़ना है। 2 मिनट देखिए मैंने इसे भून लिया है तेज आंच पर। अब मैं यहाँ पर जो टोफू पनीर है मेरा घर का बना हुआ वो मैं ऐड कर दूँगी, बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो इसे मैं आराम आराम से इसके अंदर भूनूँगी। अभी जब हम इसे भूनते हैं ना अच्छे से, तो मतलब इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होना चाहिए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट इसे भून लिया है। अब जो हमने मसाला बनाया है ना मिक्सर जार में पीस, वो मसाला इसमें ऐड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच है, 2-3 चम्मच ले लिया है मैंने। अच्छे से इसको धीरे धीरे मुझे हिलाना है क्योंकि ये पनीर में तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा 5 मिनट मैं इसको भूनूंगी इसके अंदर। तो चलिए ये अच्छे से भून चुका है। अभी मैंने और थोड़ा और मसाला ऐड कर दिया है इसके अंदर, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेटर में। और जो कढ़ाई हमारी है इसी में मैं ऑयल ऐड करूँगी थोड़ा सी, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 10 से 12, लौंग 3 से 4, और ये प्याज है 2 प्याज है जिसे मैंने काट लिया है मोटा मोटा, रफ कट किया है, मतलब इसे पीसना ही है तो आप जैसे भी वो कट कर सकते हो। और 8 से 10 लहसुन की कलियां लिए हैं मैंने। और इसे अच्छे से भून लेना है इसके अंदर, सौते कर लेना है पूरी तरह से, क्योंकि हमें ये पीसना है। इसीलिए अभी मैं अदरक भी इसमें ऐड करूँगी, ये 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अभी जब तक ये भून जाए तब तक हमें इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। और काजू ऐड किया है मैंने, 5 से 6 काजू है। और ये टमाटर है रफ चॉप किया हुआ, 2 बड़े टमाटर लिए मैंने यहाँ पर। और इसे अच्छी तरह सौते करना है जब तक ये टमाटर यहाँ पर एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाए, तब तक के इसे भूनते रहना है। अभी ये देखिए टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए, मुझे 5 मिनट लगे हैं इसे भूनने में। अब ये ठंडा भी हो गया, अब मैं इसे एक मिक्सी जार में पीस लूँगी। इसे पीसना है एकदम बारीक पेस्ट बनाना है, क्योंकि इसके अंदर जिंजर है, गार्लिक है, काजू है, तो थोड़ा इसको अच्छा पेस्ट बनाना है ताकि इसमें मोटा मोटा रह नहीं जाए।
अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिया है, 2 टीस्पून। आप ऑयल भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हो जो भी आपको अवेलेबल हो। और मैंने तेज़पत्ता लिया है, 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है इसके अंदर। इसे थोड़ा सी भून लूँगी और ये भून गया है। अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कश्मीरी चिली पाउडर 2 टीस्पून। ये मेरा तीखा नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैंने 2 टीस्पून लिया है, आप 1 टीस्पून भी ले सकते हो। हल्दी पाउडर लिया है और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ओके, इसे मैंने गैस ऑफ कर दिया है क्योंकि ये मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। जैसे ही ऑयल गरम हो गया थोड़ा सी, मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए और गैस ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें ये जो मसाला पीसा हुआ है प्यूरी, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब गैस भी ऑन कर दूंगी साथ में। देखिए इससे क्या होता है, हमारा कलर बहुत अच्छा आता है, जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। दूसरा जो है, जो हमारे जो मसाले जो पीसे हुए होते हैं ना, वो मतलब इसके अंदर अच्छे से पक जाते हैं, भुन जाते हैं ऑयल में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पहले मसाला था वो पक गया था ना आधा भुनने में, तो वो कच्चे जो ड्राई मसाले होते हैं वो भी भुन जाते हैं। देखिए मुझे 7 से 8 मिनट लगा है इसे भूनने में, तो आप इसे कंटिन्यूसली भूनते रहना है, छोड़ना नहीं है, ना तो ये लग जाएगा। इसमें काजू है तो ये बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो इसे कंटिन्यूसली देखिए पूरा ये ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। अब ये जो है इसमें पनीर और शिमला मिर्च प्याज जो हमने भूना था वो मैं इसमें छोड़ दूँगी, एकदम हल्के हल्के हाथ से मैं हिलाऊँगी, वरना मेरे पनीर की तो भुर्जी बन जाएगी। तो मैं एकदम स्लो स्लो हिला के इसको, और मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है इसके अंदर। और ये मैंने लिया है अमूल फ्रेश क्रीम, 1 बड़ा चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम है। आपके पास ना हो तो आप मलाई भी फेंट कर डाल सकते हो यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत फेमस है और पूरी ऑथेंटिक है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी रेसिपी अभी बनकर रेडी है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सी पानी भी ऐड कर सकते हो। मैंने एकदम थोड़ा सी गर्म पानी ऐड किया है क्योंकि हमारी पूरा बन चुका है, तो हम इसमें ठंडा पानी नहीं डाल सकते ना, तो मैंने गर्म पानी ऐड किया है थोड़ा सी प्लेट में जो था उसको वॉश करके जैसा। तो अभी यहाँ पर पूरा बन के रेडी है, देखिए बहुत ही रिच है ये डिश और बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे राइस के साथ सर्व कीजिए, तंदूरी रोटी के साथ, नॉर्मल रोटी के साथ, आप एक बार बनाओगे बार बार बनाओगे, इतनी अच्छी रेसिपी है ये। चलिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आई हो तो कॉमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।